महोबा में शराब छिड़के के बाहर एक 40 वर्षीय युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मच गया है। शराब छिड़के के बाहर शव पड़ा होने की सूचना मिलते ही पुलिस और आबकारी टीम भी मौके पर पहुंच गई। आबकारी इंस्पेक्टर द्वारा छिड़के की शराब का सैंपल लिया गया तो वहीं युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। मेरा था भांजा सगा, है ना, और एक ही भाई था हम भी, तो हमें तो इतना मालूम नहीं। मैं तो अपनी ड्यूटी पे था कमरे में, जब मेरे पास मेरे लड़के ने छत से फ़ोन किया कि पास पहुँच जाओ थे अस्पताल में, तो हम अस्पताल आए थे तो पता करे थे कोई नहीं मिलो है, फिर बाद में पुलिस लेके आई है। तो अब ये नहीं बता सकते, बता रहे कलहारी में था जी, तीन चार लड़के थे संग, जैसा मालूम जैसे संग सौगा तो पड़ जाए तो पीका लेती, ऐसा नहीं है कि जनवादार बच्चे बच्चे पालने उसको अपने। मौत कैसे हो गई इसकी जानकारी नहीं है, चूंकि ठेके के बाहर पड़ा था इस वजह से हम लोग स्टाफ लेके गए हैं, चौकी पे भी संपर्क किया है, उसको अस्पताल भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम होगी उसमें पता चल जाएगा क्यों मर गया है। लेकिन हमारी जो ड्यूटी थी दुकान से सैंपल वैम्पल हमने ले लिया है, पर पता किया है कि बाहर ही बैठा था, उसके साथ भी कई व्यक्ति थे, वो लोग पी के चले गए थे, इसकी जो है हालत अब पता नहीं कैसे खराब हुई, पोस्टमार्टम आने दीजिए पता चल जाएगा। अंदाजा ये है कि शराब पीने से अगर कोई मरता या शराब खराब होती तो एक व्यक्ति ना मरता।